देखिए, हम में से अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग वर्कआउट करते हैं या फिर किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उन्हें ही केवल प्रोटीन की नीड होती है। लेकिन आप गलत हो, क्योंकि किसी भी इंसान को हेल्दी और फिट रहने के लिए 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की नीड होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 60 केजी का है तो उसे कम से कम हर दिन 40 से 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही, अगर उसे फिट रहना है और हेल्दी रहना है तो। और वहीं अगर आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, तो ये प्रोटीन की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है और पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको 1.5 से 2 ग्राम की प्रोटीन की नीड होती है। यानी कि अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको 80 से 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तभी आपके मसल्स तेजी से बनेगी और आपकी बॉडी बनने लगेगी। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो बिना समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आते हैं अपने पहली चीज पे, जो कि है अंडे। आपको एक पूरे अंडे में लगभग 6 ग्राम तक प्रोटीन मिलती है, जिसमें 4 ग्राम प्रोटीन इसके व्हाइट वाले भाग में होता है और बाकी का 2 ग्राम इसके येल्लो वाले भाग में। और इसके येल्लो वाले हिस्से में प्रोटीन के अलावा आपको 5 ग्राम तक फैट भी मिल जाती है। और इसीलिए अगर आप अंडे से केवल प्रोटीन को लेना चाहते हो तो आपको इसके केवल व्हाइट वाले हिस्से को खाना चाहिए। और अंडे के व्हाइट वाले भाग में मिलने वाले प्रोटीन की सबसे खास बात ये होती है कि ये हमारे बॉडी के द्वारा पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ली जाती है और जिससे इसका पूरा फायदा हमारी बॉडी को मिलता है। लेकिन अगर आप अपने वेट को गेन करना चाह रहे हो तो आप इसके येल्लो वाले भाग के साथ साथ पूरे अंडे को खा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप इसके येल्लो वाले पार्ट को खा रहे हो तो आपको एक दिन में 4 अंडे से ज्यादा नहीं खाना है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसके व्हाइट वाले हिस्से को खाते हो तो आप एक दिन में 8 से 10 अंडे तक भी खा सकते हो। तो अब हमारी जो दूसरी चीज आती है वो है सोयाबीन, और ये हमें बहुत कम दामों में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रोवाइड करवाती है। आपको 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन, 33 ग्राम कार्ब्स और 0% के आसपास आपको फैट मिलती है। यानी कि प्रोटीन के लिए ये एक बेस्ट सोर्स है। लेकिन सोयाबीन को खाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसका एक दिन में 100 ग्राम से ज्यादा का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें फाइटोस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन होता है जो कि हमारे बॉडी के हार्मोन को डिसबैलेंस कर देती है और जिससे कि हमारा हेल्थ भी खराब हो सकता है। इसीलिए आप इसे प्रोटीन तो ले सकते हो लेकिन इसका प्रयोग कम मात्रा में करें। तो अब हमारी जो तीसरी चीज आती है वो है मूंगफली, और ये भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आपको 100 ग्राम मूंगफली में 28 ग्राम प्रोटीन, 16 ग्राम कार्ब्स और लगभग 50 ग्राम तक फैट मिल जाता है। और इसीलिए अगर आप अपने वेट को गेन करना चाह रहे हो तब तो आप इससे प्रोटीन को ले सकते हो, लेकिन आप अपने फैट को लॉस करना चाह रहे हो, वेट को लॉस करना चाह रहे हो तो आपको मूंगफली का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें काफी हद तक गुड फैट की मात्रा होती है जो कि आपके वजन को घटाने के जगह उल्टा बढ़ाने लगेगी। तो अब हमारी जो चौथी चीज आती है वो है चना, मूंग और जितने भी तरह के दाल हैं। देखिए, दाल को एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको 100 ग्राम दाल में 25 से 28 ग्राम तक प्रोटीन और लगभग 60 से 65 ग्राम तक कार्ब्स, और वहीं फैट की बात करें तो सिर्फ 1 से 2 ग्राम फैट ही मिलता है। और यही कारण है कि जो लोग अपने वेट को जल्दी बढ़ाना चाहते हैं वैसे लोग अपने डाइट में दाल को जरूर ऐड करते हैं। तो अब हमारी जो पांचवी चीज है वो है पनीर। तो देखिए, आपको पनीर के 100 ग्राम में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन और वहीं फैट लगभग 21 ग्राम और कार्ब्स 5 से 6 ग्राम। लेकिन देखिए, जो पनीर होता है वो एक तरह का कंप्लीट प्रोटीन फूड है, क्योंकि इसमें 9 के 9 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और इसीलिए जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उसके लिए पनीर सबसे बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन के लिए। तो अब हमारी जो छठी चीज आती है वो है मिल्क, यानी कि दूध। आपको लगभग 500 ml दूध में 17 से 18 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फैट और लगभग 20 ग्राम तक कार्ब और भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलती है, जो कि आपके हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो, रनिंग करते हो या फिर वर्कआउट करते हो, अगर आपके हड्डियां मजबूत है ना तो आप इस फिजिकल लेवल के फील्ड में बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन मिल्क में जो प्रोटीन मिलता है ना
वो एक स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, यानी कि ये जल्दी से नहीं पचती है। और इसीलिए अगर आप मिल्क से मिलने वाले प्रोटीन का पूरा फायदा लेना चाहते हो तो आपको रात को डिनर के बाद और सोने से 10 से 15 मिनट पहले पीना चाहिए। तो अब हमारी जो सातवीं चीज आती है वो है मछली। देखिए, अलग अलग मछलियों में प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन जो मछली अंदर से सफेद होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आपको 100 ग्राम मछली में 25 ग्राम प्रोटीन, 1 से 2 ग्राम फैट और लगभग जो कार्ब होता है वो 7 से 8 ग्राम तक मिल जाती है। देखिए, एक तो मछली में फैट की मात्रा कम होती है, ऊपर से कार्ब भी कम होता है, और इसीलिए ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। और यही कारण है कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन के लिए मीट की जगह मछली को खाना पसंद करते हैं। तो अब हमारी जो आठवीं चीज आती है वो है मीट, यानी कि मांस। देखिए, अलग अलग तरह के मीट में प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होती है, लेकिन प्रोटीन के लिए जो सबसे बेस्ट मांस माना जाता है वो है चिकन ब्रेस्ट, क्योंकि इसमें आपको इसके 100 ग्राम में लगभग 31 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है और फैट की 0%, यानी कि 0 ग्राम फैट। और वहीं कार्ब्स की बात करें तो वही 34 से 35 ग्राम कार्ब्स भी मिलता है। तो ये 8 तरह के हाई प्रोटीन फूड थे जिसे आप अपने डाइट में ऐड करके अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हो। और ध्यान रहे कि बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको प्रोटीन तो जरूर ही लेना है। तो हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।